केजरीवाल जी से सवाल करता हूं मैं आपके माध्यम से, आप बताएं कि डेंटल काउंसलिंग के लॉकर में क्या मफलर मिले हैं या 2 करोड़ की स्लिप मिली है या तीन प्रॉपर्टियों, जो बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, कई करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं, वो उसकी लिस्ट मिली है। निश्चित रूप से सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लाडला बेटा बना हुआ है मुख्यमंत्री केजरीवाल का, क्योंकि वो कमाऊपूत हैं। और आज डेंटल काउंसलिंग जो दिल्ली की है उसकी लॉकर में प्रमाण मिलना, साक्ष्य मिलना, पुष्ट प्रमाण मिलना इस बात की ओर इंगित करता है। आप देखिए, तीन तीन प्रॉपर्टियां उसके लॉकर में मिली हैं, 41 चेकबुक मिले हैं, 2 करोड़ की स्लिप्स मिली हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। और कई सौ बीघा जमीन बेनामी उनके नाम से मिल रही हैं, ईडी ने भी उनकी संपत्ति लगभग 4 करोड़ 61 लाख की जमा कर ली, जब्त कर ली है। तो ये एक बड़ा प्रमाण है, लेकिन केजरीवाल जी आंख मूंद कर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनकी नैतिकता भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी पड़ी है और वो उसका कमाऊपूत है, वो छेड़ने की हिमाकत नहीं करेंगे। क्योंकि मैं दावे से कहता हूं कि अगर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई तो इसकी आवाज़, इसकी चोट केजरीवाल तक पहुंचेगी, इसलिए वो उसको बचाने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से हम ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या लगता है कौन कौन लिप्त हो सकते हैं इसमें? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये सब तो कमाऊपूत हैं, जैसे बाथरूम में टोटी दिखाई पड़ती है लेकिन उसकी पाइप टंकी तक जाती है, तो टंकी केजरीवाल है, ये सत्येंद्र जैन सिर्फ टोटी है। सर, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर किसी भी विधायक के घर पर छापा पड़ता है, ऑफिस में छापा पड़ता है, तो 10 मफलर से ज़्यादा कभी नहीं मिल सकते हैं। सर, हालांकि ये सौरभ भारद्वाज ने भी बोला है कि 10 मफलर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और अब इतना बड़ा जो खुलासा होकर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? तो निश्चित रूप से साक्षी सामने है ना, अब उनको बोलो, केजरीवाल जी से सवाल करता हूं मैं आपके माध्यम से, आप बताएं कि डेंटल काउंसलिंग के लॉकर में क्या मफलर मिले हैं या 2 करोड़ की स्लिप मिली है या तीन प्रॉपर्टियों, जो बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, कई करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं, वो उसकी लिस्ट मिली है। आप में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके नाम की छींक लेता है तो पंजाब की पुलिस भेज रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात और हो क्या सकती है। देखिए, वो अपना जो भी कहना कहें, अभी अमित शाह जी ने, जो हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने आईना दिखाने का काम लोकसभा राज्यसभा में किया है कि कितनी सीटों पर हम जीते हैं, और अभी 5 में से 4 राज्य हम जीत करके आए हैं। इसलिए वो बड़बोलापन से कुछ भी बोलें, वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं आज देश स्तर पर, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। जो आम आदमी पार्टी का जो घोटाला उजागर हुआ है, उसको लेकर आगे की रणनीति क्या होगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हम एक बात बताते आ रहे हैं, जिस दिन पहली सरकार इन्होंने बनाई कांग्रेस के साथ मिलकर, उसी दिन हमें शक हो गया था कि ये भ्रष्टाचार से प्रेम करने वाली पार्टी है। मैंने सदन में भी कहा था इस बार कि इनके दिल में खोट, जुबा में प्यार है, राजनीति इनका व्यापार है। हमारा तो आज भी जो जनता हमें प्यार करती है, वो प्यार करती है, वो तो आम आदमी पार्टी में ले गए, तो इसलिए वो खिसियानी बिल्ली, कांग्रेस की हालत बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खम्बानोचे जैसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है।